वेलकम गेमिंग एरा तो क्या सब लोगों की उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा एन वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं ओमेगा के साथ सो so, रिसेंटली उनकी तरफ से हमें ब्रॉडकास्ट पर एक मैसेज देखने को मिल जाता है टीम सेट फाइनली अब ऑर्ग की बारी एंड यहाँ पर यार जूसी जब लाइव होते हैं

है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का अभी भी नहीं पता खैर हम वीडियो में आगे ले और यहाँ पर हम बात कर लेते यहाँ पर बताने वाले ये यार उनके लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था की जिस टीम ने यार चार गेम में चालीस पॉइंट निकाले वो अगले चार गेम में चार से पांच पॉइंट भी नहीं ले पाई बट स्टिल वो भी बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव इवेंट And today's gauntlet DQ has changed everything within the camp. The team is shattered and clueless. बट श्योर देगर आउट एंड मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि जो मेन पजल था उस चीज को उन्होंने फाइंड आउट कर लिया है और क्योंकि फैंस भी चाहते हैं यार हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस देखना तो वो चीजों को फिक्स करते हुए नजर आ जाएंगे जो सभी प्लेयर्स हैं वो बूट कैंप पर वापस आने वाले हैं जो न्यू प्लेयर आने वाला है उसकी भी अनाउंसमेंट जल्दी होने वाली है और जो सोमे है वो टीम आइक्यूसोल का परमानेंट मेंबर रहने वाले हैं वही यहाँ पर एक बिगेस्ट अपडेट हमें देखने को मिल जाती है सिड इज बैक एज मैनेजर ऑफ टीम आइकोसोल एंड वो बोलते हैं लव हिम और हेट हिम सोल विल नेवर बी

जस्ट वेट टिल टूमोरो आज की स्काउट की स्ट्रीम का इंतजार करो कुछ भी ज्यादा नहीं बदला है जस्ट अड चेंज डेट टू विट एवरी वन एग्रीमेंट सारी चीजें स्काउट स्ट्रीम पर क्लियर कर देंगे वो भी सबके बेटरमेंट के लिए एन एक बंदा उनको ये बोलता है की यार टीम आईकून सोल के लिए कुछ करो बट ही थक भाई वो चीज अनाउंस करते हैं वो बोलते हैं नेवर माइंड अभी दे दिया वही स्काउट भी गोल्डी बाई के ट्वीट के ऊपर रिप्लाई देते हुए नजर आ जाते हैं सबर कब लो यार बस थोड़ा सा और बहुत एक्साइटिंग अपडेट है बस यार 19 बीस का फर्क है चीजों में बाकी स्ट्रेस न लो 2018 से अठारह से यहाँ पर 2023 में एक्टिव नहीं हुआ हूँ एंड एक बंदा उनसे पूछता है कि यार वो लास्ट लाइन का मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या था देन स्काउट ये बोलते हैं उन सब बच्चों के लिए उन सब बच्चों के लिए वो लाइन है कि यार उनका कब से है बाकी मैं वीडियो में आगे बैठे तो हम बात करने वाले हैं मई के ऑफिशियल इवेंट्स में मोस्ट फिनिशे के बारे में सो फर्स्ट पर तो हमें पता है की इट सारोर विद फिफ्टीन फिनिशेस बाकी के टॉप फोर जो रिमेनिंग टॉप फाइव लिस्ट में से उनके नाम ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो एंड यहाँ पर टीएक्स से दो प्लेयर हमें देखने को मिलता जाएंगे सारंग और स्प्रे गॉड जो कि एक बहुत बढ़िया बात है for fans. भी सारंग की बात कर रहे हैं तो हम बात करने वाले अवार्ड तो जीते कि लोग को लग रहा था कि वो जोनाथन जीतेंगे तो सारंग का नाम क्यों लिया चलो इसके बारे में बताता हूँ फर्स्टली जूसिया पर बात करते हुए नजर आ जाते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में हेट के बारे में ट्रॉल्स के बारे में बैंटर्स के बारे में जिनका उनको सामना करना पड़ा नहीं दे रहा हूँ यार मजाक पर हाँ मजाक तो करो भाई मजाक करो आप अभी थोड़े दिन पहले जब मजाक कर रहे थे कि किन पॉइंट फाइव मिलियन वॉचिंग करा मजाक के साथ सब कुछ कर रहा हूँ मैं तो मजाक करो भाई कोई सीन नहीं है पर पता क्या सीन होता है ना कुछ लोग आके डीएम पे मतलब मैं अगर डीएम भी पढ़ाने को बैठू ना ना तुम लोग को खुद ही शर्म आ जाएगी कि मतलब इतने चीप लोग भी होते हैं क्या दुनिया में भाई इतने चीप लोग भी होते हैं क्या ऐसा बोलोगे भाई देखो जो हेट स्प्रेड कर रहे हैं ना <coughs> मुझे नहीं पता वो किस चीज़ के फ़ैन है कुछ तो बहुत ब्रूटल मतलब वो है जो बहुत गंदी गाली कारियाँ है देते हैं माँ बहन की रेप थ्रेट्स एंड ऑल ये वो ये वो ठीक है और कुछ होते हैं जो ट्रॉल कर रहे हैं मेरे को लगता है जो ट्रॉल कर रहे हैं वो गॉड लाइक -like फ़ैन है ठीक है बनता है ट्रॉल करना थोड़ा बहुत बट भाई इतना भी मत करो क्योंकि

फिर फिर मैंने जब मेंशंस देखे तो उसमें वो मीरा मार का आ रहा था मैंने कहा ओ फक भाई व्हाट बुलशिट इज दिस भाई <laughs> पकड़ा गया यार ये तो बस्टेड हो गया ये तो दिख गया स्प्रेग का पीओ भी दिखा दिया काश मेरा पीओ भी दिखाया था तो शायद लोगों को नहीं लगता पीओ

भाई क्या ऐसा कैसे, कैसे लग रहा था कि फर्स्ट पर जूसी आए और सेकंड पर जोनाथन आए वेल एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू फर्स्ट पर जूसी हमें देखने को मिले सेकंड सारंग थे एंड केस जूसी अगर नहीं जीतते देन सारंग ये अवार्ड भी अपने नाम करते हुए नजर आ जाते और भाई मेरे को तो छोड़ो चलो मेरे को छोड़ भी दो मतलब जितना मैंने सुना है ना देखो नो हेट और नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी ठीक है मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ कम्यूनिटी में बट अगर मैं नहीं भी बनता ना मेरे भाई तो सारंग बैठा था सारंग सेकेंड नंबर पर था तो फिर आप लोग उसको हेट देते जाके क्या मेरे को तो ये बता दो बस बाकी वीडियो में आगे में तो हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंटरनेशनल के जो रूमर्स आ रहे हैं उनके बारे में -like एंड तो हाँ, थिंग जो हवाओं में उड़ रही है कि इंडिया इंटरनेशनल होने वाला है सबको पता है कुछ कुछ दिसंबर तक हो सकता है बस इससे किसी को कुछ नहीं पता कुछ नहीं प्ले इंडिया वर्सेज इंटरनेशनल कैन वी हिट वन मिलियन वॉचिंग

हम ऐसा ये देख रहे हैं कि जूसी चलो पैन फेवरेट हो बनना वो नहीं पता कैसे फिर बना मेरे <laughs> लिए शॉकिंग था पैन फेवरेट तो ऐसे हमको लगा दोनों तरह से कोई का भी नहीं तब भी उसको लोग बना ही देंगे बाकी में वीडियो में आगे बढ़े तो क्राफ्टन की तरफ से एक अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलती है बेसिकली एक ऐसी अनाउंसमेंट जिसके बारे में पब्लिकली नहीं बताया गया कि नियो को यार वो इवेंट्स में पार्ट लेने से स्टिल मना कर रहे हैं जिसके बारे में नियो बात करते हुए नजर आ जाते हैं बाकी में वीडियो में आगे बैठे तो सोमराज यहाँ पर रिटायरमेंट प्लान की बात करते हैं एंड फर्स्ट यहाँ पर वो पंख के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं कि बेसिकली जो बी में एक सीन हमें देखने को मिला था वी और गॉड लाइक -like की फाइट यहाँ पर सोमराज को पंख ने एक बात से ट्रिगर कर दिया था लैंड पर वो बात क्या थी वो शॉर्ट में आप देख सकते हो मेरा सबसे ज्यादा बीटी तो मेरा तब हो गया मेरा दिमाग का हम उस समय कुछ करे नहीं पर जो मेरे अंदर था मैं उसको बता रहा हूँ वो पंख आके मेरे को बोलता है कि भाई क्यों मार दिया मेरे को अब भाई इसमें मेरा जो ट्रिगर हुआ था ना कि भाई मेरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है ये क्या है ये स्टेज पे जीतना है ना सब यहाँ पे क्या ये लो पंख भाई मेरे चार किल आपको मैंने क्वालिफाई करा दिया अब मेरे चार किल भी ले लो आप ये ट्रॉफी भी रख लो हम तो यहाँ पे खेलने नहीं गए तो मेरा जो ट्रिगर पॉइंट हुआ ना भाई वहां पे हम कटते क्या भाई क्या मजार बना दिया मेरे को सेमीज का लास्ट मैंने इनको इनको ड्रॉप दे दिया विदाउट क्योंकि मैं चाह रहा था मतलब ये टारगेट हो रहे थे इनको एक एक फेयर चांस दिया जाए और मेरा उसमें अल्टीमेट मोटिव जो था वो पूरा हो गया उसके लिए हम खुश है कि हुआ। ये क्या है बाकी मैं ई स्पोर्ट्स रिटायरमेंट और बाकी सारी चीजों के बारे में एक सैड रियलिटी के बारे में सोमराज बात करते हुए नजर आ जाते हैं भाई मेरे को नहीं पता क्या समझ लिए लोग कि हाँ भाई मेरा चार के लिए ये लो तुम रख लो मेरा दिमाग ही खराब हो गया सब चीज मेरे को अंदर नहीं रखना है सब बात हो तो गया भाई हम गुड बॉय हम स्टार्टिंग से नहीं थे मेरे गुड बॉय बन के भी नहीं रहना हम जो थे हम रहेंगे बहुत मैंने सबको चढ़ा लिया मेरे को अपना गेम खेलना है अब और अच्छे से खेलना है मेरे पास मेरी टीम है और जो भी मेरे साथ स्टिक करेंगे और जो और मिलेगा वही एक दूसरे का घर चलाएंगे हम लोग चार प्लेयर होंगे वही एक दूसरे का घर चलाएंगे और कोई बाहर वाला हमारा घर चलाने नहीं आ रहा है बस वही एक टीम है और जो ही बाहर केयर अबाउट एनी मेरी जो टीम है उनको मैं अपना पूरा दूंगा इतना टाइम से गेम खेल रहा हूं मैं मेरे को ऐसा रिटायरमेंट भी नहीं लेना है ऐसा डिसअपॉइंटमेंट होकर मेरे को एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है इससे मैं खुशी से एक अच्छा रिटायरमेंट ले सकूँ कि हाँ मैं आते थे छह साल से गेम खेल रहे हैं अब हाँ मेरा इस्पोर्ट e से हो गया तो पहले मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करूँगा ये जो मेरा फाइनल आर्क कह लो जो भी कह लो पर जब तक मैं कोई इम्पैक्ट वो गोल अचीव नहीं कर लूँ, ग्लोबल वाला तब तक मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा क्योंकि अभी जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर छोड़ के जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वैसा मेरे को नहीं करना मेरे को रिग्रेट में नहीं जीना है अपना जिंदगी क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग से गोल था ग्लोबल वाला मेरे को अचीव करना है हाँ मौका नहीं मिला है ज्यादा इंडिया को <laughs> मेरा वही अभी एक गोल है होपफुली नेक्स्ट ईयर चांस मिले सॉरी so, वरी मत बोलो भाई हो गया मेरा दिमाग खराब बाकी क्या इस पर्टिकुलर में सिर्फ इतना ही मैं भी चलता हूँ तो हूँ आपसे लीडो में सारी ऑफ